जिस समय माता मैणावंती के दंगताने से गोपीचंद जोग ले लेते हैं और जोग लेके घर घर अलग जगाते हैं और अपने उस काम को अंजाम देते हुए कहा थारा नगरी से ढाका शहर में पहुंच जाते हैं। ढाका जो कि गोड बंगाला उस समय बोला जाता था जब तक बंगाल विभाजित होकर बांग्लादेश नहीं बना, आज बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। हमारे बहुत ही आदरणीय सुभाष शर्मा जी आचार्य जी ने नेहरा गांव से ब्राह्मण देवता 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, पंडित जी को बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद लोगो कहां के गोड बंगाले में ढाका में जहां चंद्रावड़ विवाहित थी वहां पहुंच जाते हैं और लोगो जाकर अलग जगाई बांधी आई के बाबा जी लो भिक्षा ले लो के हम दासियों के हाथों की भिक्षा नहीं लेते। जालंधर नाथ का चेला हूं छोटा गोड मोटा गावणिया ना मानना मैं भी बाबा धर्मगिरी का चेला भिक्षा लेगी अपनी पटराणी चंद्रावड़ से कहिए कि वो भिक्षा लेके आए। दासी गई अभी तो वह साधु वहां की जोग जमात हो रही है तू इसने जानती नहीं हो कान तई पाटे ही और अजा भी था गोपी चंद मेरा मारी पटराणी का भाई। जैसे ही चंद्रावड़ के कानों में ये बात कही गुस्सा करती है बड़ा रोष मानती है कि मेरा भाई चक्रवर्ती सम्राट रबाबा बन गया। जिस समय गोपी चंद ने अपने चिन्ह दिखाए उनके चंद्र शेखर भी कहते थे उनको माथे में चांद की निशानी थी पैरों में पदम था वो निशानियां दिखाई तो चंद्रावड़ को ये यकीन हो जाता है कि तेरे भाई गोपी चंद है जो अब बाबा गोपीनाथ हो चुके। लोगों यहाँ पे सभी कवियों ने किस्सा समाप्त किया यहाँ चंद्रावड़ सुसाइड करती है उन साधुओं को धिक्कारती है कि तुम्हें नहीं पता बाण न भाई कितना प्यारा हो है लोगों कित कित जरूरत पड़े कितना प्यारा हो है गौर करियो भाई क्या कहें। ओ भाई फोन बाद में देखिए पहले बाजे की आवाज कर गुजारा हो से काम तो घर न छोटे भरो गुरु जी वार्ता विपरीत हो सकती लेकिन एक बहन के उद्गार हैं इसको आप एक बच्चा जो सुना रहा वैसे सुनना ये साधियों के लिए कड़वे वचन नहीं है लेकिन जब उसका माँ का जाया जो की बना जब आपने भी बाना लिया होगा परिवार की आत्मा एक बार दुखी जरूर होगी क्योंकि सभी नाते परिवार के तोड़ के तब जोग धारण होता है परिवार को बंद करके जोग धारण होता है किसे बनाओ वो धिक्कारती है कि धारा गुजारा हो जाए। पहला नंबर है लोगों गौर करना जब एक लड़की एक बहन बेटी एक घर से विवाह करके विवाहित तो होके दूसरे परिवार में जाती है लोगों उसका ओढ़ना पहनना बदल जाता है उसका खान पान बदल जाता है घर तो चाहिए आजकल नया जमाना छोरी जींस पर दी पा जा ओढ़ तो साड़ी सूट चलेंगे घर से फूल लेगी बाप के द्वारे ओढ़ पुल्ला करना पड़ेगा आचार विचार एकदम से उस नए परिवार में ढाल नहीं पाती पहली कली में दादा ने क्या कहा
गाली जा जब ओ मुकलावा प्यासे कम बोले और शर्मावे के सूक्ष्म भोजन खासे लग कुटुंब की दासे लोगो सूखे दाने सूखे दान हरे हो जा जब भाई ले उड़े दासे गाल बैठ जाजर में पीठा गाल बैठ जाजर में पतला रे न्यारा ओ के मेरा बाबा बीबी प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल की तरफ से हमारे साथी हमारे भाई हजारों रुपए पहले कलाकारों को मान सम्मान स्वरूप दे चुके हैं, 100 रुपए से और मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं, प्रेमी को बार बार धन्यवाद करते हैं और बाबा धर्मगिरी के चरण वंदना के माध्यम से परमात्मा से हमारी अरदास है कि भाई इनकी मनोकामना पूरी करें, इनको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे। हमारे बहुत ही आदरणीय नीलम सिंह ठेकेदार जी और आदरणीय राजपाल सिंह सरपंच साहब मुखिया दोनों प्रेमी 100 रुपए से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं। हमारे दोनों अग्रजों को हमारे बड़ों को बार बार धन्यवाद धन्यवाद। लोगों दूसरा नंबर है जकर चलेंगे लोगों को और करियो किसे महान कार्यस्था हो ये बड़े बुजुर्ग तो पहले कहा करते आजकल तो ब्याह ना जाते ये चीज काफी हद तक कम भी होगी जिस भाण की सगाई को ना उठती मर्द माने समझौता कर ले लोग आई को ना माने जब डोड़े मत तारी जाएगी के दिया मरीज दे दिया कूलर दे दिया अरे 1 लाख दान के दे दिए बापू ने सास ससुर के जस घर न ठोक जो पराई को ना हो क्यों कहेंगे अरे इस बाण को भाई को साले बिना किसी ससुराल छोरे का कबर नहीं आता चाहिए कूट पाती आवे वो विचार करती है और बताती है तेरे भाई की न्यू जरूरत पड़िया रहे दूसरे नंबर पर क्या कहा सगाई को नानू बोलिए दान दिए की सास ससुर के मान बढ़ाई को ना और कहे तो रुक जागा परे तड़े लो भाई को नानू बोलिए यू दान दिया दे दान दिया दे दान दिया दे के हो जा इस बहू के भाई को ना रे ईश्वर शर्मा जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं पंडितों को बार बार धन्यवाद। ओके नाम बता दो भाई ने गुरदीप जी आदरणीय युवा साथी गुरदीप सिंह जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद।
बहुत ही आदरणीय महिपाल सिंह जी 100 रुपए से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद। लोगो तीसरा नंबर है, लोगो वह बाण बेटा बेटी का रिश्ता करे, अरे भाई न्यारी बेट के समझाओगी सर, मेरा 1 रुपया बात का गाल दिए पर भाई मेरा टेम था जी, क्यों जब तक बात नहीं ना जा मांडा ना बंद ब्याह चालू कोई ना हो, और इतना ओड़ो भाई हम बात चाहे लग रहा छाड़े आगे कितना आगे, और उस छोरी के दिल पर करत चल रही अक मेरे भाई ने कह रहे क्या कहा, ये हरियाणा के बेहतरीन गाने वाले उभरते युवा साथी कलाकार मेरे छोटे भाई भाई दीपक जुलाना से, जिन्होंने पहले बेहतरीन नाम कमाया एक म्यूजिशियन के तौर पे, ये पूरा अनाड़ा छोड़कर पूरा अनाड़े सारे बजा लिए, जिनसे आज ढोलक लगा रहे अड़ा नहीं रहे हुए बजा लिए, और अब गायकी के क्षेत्र में कदम रखे हैं, बेहतरीन गाते हैं, आपके बीच में होंगे अवसर जरूर देना, 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, दीपक भाई का बार बार धन्यवाद। क्या लिखा नंबर 3 पे, ना और तू सही चाव है सो सो बेरे करया करे जब बेटा बेटी ने ब्याह पाट देखा कब तनारे आई है नारी बैठ समझाव है लोग जब लगवाती ना आवे नारा तुण देने पावे भाई चारा हो से हमारे बड़े भाई नरेश कुमार जी एडवोकेट साहब और मेरे बड़े भाई जसवीर जी बहुत पुराने गाने वाले, मेरा नोटिस करावा कि नहीं जी, जो गुरुजियों के क्रियान्वयन की जो इकाई बने उसके सदस्य, मैंने पहले नाम में बोल दिया था, मैंने मेरा इकाई के सदस्य भी हैं, वकील साहब काफी मान सम्मान पहले 100 रुपए और देते, बड़े भाई नरेश एडवोकेट को बार बार धन्यवाद धन्यवाद। और लोगों अंतिम कली है, ने बोली रे समझदार वीर बनी ने जो साधु समाज का हमारे लिए बहुत आदरणीय है, अपने समय के बेहतरीन गाने वाले और आज भी बेहतरीन गाते हैं, ब्राह्मण महेंद्र शर्मा जी हमारे सीनियर साथी हैं, 100 रुपए से और मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं, पंडितों को बार बार धन्यवाद करते हैं धन्यवाद। समझदार जो वीर बनी और जो साधु समाज का आयोजन है, एक आधा शब्द मैं नादान निर्बुद्धि हूँ, गुरुजियों के चरणा में लाग रहा हूँ, छोटी मोटी मेरी गलती भी माफ होनी चाहिए, धर्मराज का तो बुलावा आ गया लोगों, एक औरत का पति का भाई का, अब सती औरत थी यमराज का आगा हिर लिया ये महाराज नाश हो जाएगा, बेटी मैं तेरे धर्म से प्रसन्न हूँ, एक काम कर सकू, एक की जान बचेगी दो या मत सब पति मांग ले सब आई, ने बोली जमाना खोटा है महाराज, खसम तो मैं जाना जाना कर लूंगी, भाई कौन बनेगा भाई दे दे, वह भाई ने छोड़ा के लाई थी लोगो, क्या है बिना भी सर जाएगा जो सती औरत होगी, भाई बिना भाई भीड़ का हिमाती होता है। चौथा नंबर है, बोल करियो एक वीरबानी है माता बहना में एक गाड़ चल जाए रहे, मुझे नहीं पता क्योंकि ये जमुना की बेल्ट है, यहाँ ये शब्द होते होंगे नहीं, लेकिन कॉमन बात है, दूसरी बात हम देते होंगे लोग आई जब लड़ेंगे ना नहीं भाई खानी रांड पति मर जा वह रांड नहीं होती, आजकल तो पुनर्विवाह का कानून है, भाई आड़ी रांड होता था नहीं क्यों करो है क्या कहा,
सर जानू बोली रे घर घर कहती फिरया करे जब भाई परदेश नगरी थोड़े दिन में चिट्ठी आवे बड़ के पेटा भर जानू बोली रे वाहे राण वाहे राण वाहे राण कवाया करे जीता माता जाया मर जा रे प्यार ये तो सच्चा द्वारा हो तो बोल दो सारे बोले बाबा धर्मगिरी महाराज की पावन धाम की बार बार धन्यवाद बड़े प्रेम से आपने सुना।